अगर आपका मोबाइल फोन खोया गया है या चोरी हो गया है तो आप उसको ब्लॉक करा सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल फोन को कोई भी यूज नहीं कर पाएगा और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप अपने खोए हुए या चोरी हो गए मोबाइल फोन को ब्लॉक कैसे करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक कराने से पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये कि जब आपका मोबाइल फोन खोया गया है या चोरी हुआ है तो उस टाइम उसमें जो भी सिम कार्ड पड़ा हुआ था आपको उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी निकलवा लेनी है, क्योंकि उस पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको एक पुलिस कंप्लेंट कर देनी है कि आपका मोबाइल फोन खोया गया है जिसका IMEI नंबर ये था और उसमें ये मोबाइल नंबर पड़ा हुआ था। मोबाइल नंबर खोने की या चोरी होने की रिपोर्ट कराने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन ही कर सकते हैं। जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दोनों काम करने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन को कैसे ब्लॉक करना है इसका प्रोसेस आप लाइव देख लीजिए। अपने ब्राउजर में आप टाइप करेंगे CEIR.gov.in, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। अगर आप अपने मोबाइल फोन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहां ब्लॉक स्टॉलन लॉस्ट मोबाइल पर क्लिक करेंगे। अभी ये सर्विस सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली के सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है और धीरे धीरे ये पूरे भारत के लिए अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आपको डिवाइस की इंफॉर्मेशन देनी होगी, आपके उस मोबाइल में जो भी सिम पड़ा हुआ था उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर डुअल सिम फोन था तो यहाँ पर आप दूसरे सिम का नंबर भी डालेंगे। यहाँ पर आपको IMEI नंबर डालना होगा और अगर डुअल सिम फोन था तो यहाँ पर आप सेकेंड IMEI नंबर भी डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप चूज करेंगे कौन से ब्रांड का था आपका मोबाइल, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एप्पल। इसके बाद यहाँ पर डिवाइस का मॉडल डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ iPhone 7 Plus। अगर आपके पास आपके मोबाइल फोन का बिल अवेलेबल है, इनवॉइस है, तो आप यहां चूज फाइल पर क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर आपको लॉस्ट इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आपका जो मोबाइल फोन है कहां पर खोया गया था, जगह आप यहां पर डाल देंगे। यहां पर आप डेट डाल देंगे, आपका मोबाइल फोन कब खोया गया था, डेट आप यहां से चूज कर लेंगे और यहां पर आप टाइमिंग चूज करेंगे। इस पर क्लिक करके यहां पर आप स्टेट चूज कर लेंगे, करंटली ये दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए अवेलेबल है। चलिए मैं चूज कर लेता हूं दिल्ली। अब यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। इसके बाद यहां पर पुलिस स्टेशन आ जाएगा, यहां पर आपको पुलिस कंप्लेंट नंबर डाल देना है। जब आप ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है, वो आप यहां पर टाइप करेंगे। यहां पर देखिए ये है FIR नंबर, तो ये नंबर आप यहां पर टाइप कर देंगे। इसके बाद आप यहां कंप्लेंट अपलोड करेंगे, जिसके लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी कंप्लेंट रखी हुई है सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। अगर आप एक से ज्यादा यहां पर कंप्लेंट अपलोड करना चाहते हैं तो ऐड मोर पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहां पर मोबाइल ऑनर की पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, यहां पर ऑनर का नाम डाल देंगे। इसके बाद यहां पर ऑनर का एड्रेस डाल देंगे। ID प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई दूसरा ID प्रूफ, वो आप चूज कर लेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर ID प्रूफ को अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नंबर डाल देना है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट चूज किया है उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आप डाल देंगे एक ईमेल ID, जो भी मोबाइल नंबर आप ऊपर डालेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको बस गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहां डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप यहां डिक्लेरेशन देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक रिक्वेस्ट ID मिल जाएगी, उसको आप सेव करके रख लीजिए और इसके बाद आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा और आपके मोबाइल फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, कोई भी उस मोबाइल फोन को यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बाद में कभी आपको मोबाइल फोन मिल जाता है तो आप उसको अनब्लॉक भी करा सकते हैं, जिसके लिए आप अनब्लॉक पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ID जो आपको दी गई है वो आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, वही नंबर जिससे आपने ब्लॉक कराया था। यहाँ पर रीजन देना होगा क्यों आप अनब्लॉक कराना चाहते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर एक OTP आ जाएगा,
ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा और आपके मोबाइल फोन को अनब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद आप उसको यूज कर पाएंगे। अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपके मोबाइल फोन को ब्लॉक किया गया है या नहीं, तो आप यहां चेक पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट आईडी डालकर सबमिट करेंगे तो आपके सामने स्टेटस आ जाएगा कि आपका मोबाइल फोन को ब्लॉक कर दिया गया है या भी पेंडिंग है। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि आप अपने खोए हुए या चोरी हो गए मोबाइल फोन को ब्लॉक कैसे करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।